देखिए, आज मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये 3000 के आसपास कार्य समिति के लोग थे, यहां पर बृहत कार्य समिति बैठक थी, लोगों में ऊर्जा का संचार राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन ने किया है। और निश्चित रूप में आज जो हुंकार भरी है योगी जी ने, वो अपनी पहचान जो उनकी जिस चीज की है, वो आज कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग देकर गया है। और मैं मानता हूं कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, चुनाव के नतीजे अच्छे होते हैं तो भी, और जो कुछ कम अच्छे होते हैं तो भी वो अपनी समीक्षा भी करती है और सीखती भी है। और अब की सीखा ये है कि 2027 में कहीं कमी नहीं होगी और हम 2/3 से नहीं 3/4 से चुनाव जीतेंगे। 27 से पहले अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। आज तो योगी जी ने बता दिया, 10 का परिणाम उन्होंने बता दिया, होगा संग्राम, विजय होगी। लेकिन कल जो अभी उपचुनाव का परिणाम आया है उसके कांग्रेस पार्टी ने कई जगह पोस्टर लगाए। देखिए, कांग्रेस को पता ही नहीं है जहां किया वो बात कर रहे हैं, वहां पे विधायक कौन था उनसे पूछिए। पहले जो विधायक थे वो कांग्रेस के थे, वो इस्तीफा दिए थे इसलिए खाली हुई थी, वो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस में पिछली बार भी नहीं जीते थे, उससे पहले भी नहीं जीते थे, तो ये कांग्रेस की परंपरागत सीट थी जिसपे वो जीते हैं। हमीरपुर हम जीत कर आए हैं, वहां पर हिमाचल में, वहां तो उनकी सरकार है ना, मध्य प्रदेश हम जीत कर आए हैं। ये कांग्रेस केवल दुष्प्रचार के नाम पर झूठे अफवाह अड़ के, तृणमूल की चारों सीटें तृणमूल ने जीती थी विधानसभा में, अगर वो जीत कर आए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। बीजेपी ने बहुत अच्छा संघर्ष किया है, वो उन्होंने वहां पर जो नंग नाच कर रखा है, जब तक वो नहीं बंद होगा तब तक चुनाव निष्पक्ष बंगाल में होना ये बड़ा असंभव सा लगता है। देखिये, मुझको लगता है कि महिला होती है वो ना हिंदू होती ना मुसलमान होती है, और महिला का संरक्षण से मैं समझता हूँ कि इस्लाम में भी महिला का बहुत सम्मान है, और इनको अगर जो है इस बात को बेहतर समझना चाहिए कि महिलाओं की रक्षा के लिए न्यायालय ने हिस्टोरिकल निर्णय दिया है, और अगर महिला का संरक्षण की बात है तो इस कुरीति से बचना चाहिए। और मुस्लिम महिला को भी अधिकार है अच्छा जीवन जीने का। मुस्लिम भारत शरीयत से नहीं चलने वाला है, अगर शरीयत को उनको है तो जाके वो सऊदी अरब में चला सकते हैं, पाकिस्तान में भी शरीयत नहीं है। अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहां जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। यहाँ पर शरीयत की बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये कोई इस्लामी या धार्मिक देश नहीं है भारतवर्ष, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर इस प्रकार की बातें करना ये एक तरीके से ये तथ्यविहीन ये उद्घोषणा है, और इससे मैं समझता हूँ कि धर्मगुरुओं को और इस प्रकार की संस्थाओं को बचना चाहिए, और उनको भारत की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को और जो भारत का बंटवारा हुआ था उस समय की नीति को पढ़ना चाहिए। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये 3000 के आसपास कार्य समिति के लोग थे, यहाँ पर बृहत कार्य समिति बैठक थी, लोगों में ऊर्जा का संचार राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन ने किया है, और निश्चित रूप में आज जो हुंकार भरी है योगी जी ने, वो अपनी पहचान जो उनकी जिस चीज की है, वो आज कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग देकर गया है। और मैं मानता हूं कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, चुनाव के नतीजे अच्छे होते हैं तो भी, और जो कुछ कम अच्छे होते हैं तो भी वो अपनी समीक्षा भी करती है और सीखती भी है। और अब की सीखा ये है कि 2027 में कहीं कमी नहीं होगी और हम 2/3 से नहीं 3/4 से चुनाव जीतेंगे। 27 से पहले अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। आज तो योगी जी ने बता दिया, 10 का परिणाम उन्होंने बता दिया, होगा संग्राम, विजय होगी। लेकिन कल जो अभी उपचुनाव का परिणाम आया है उसके कांग्रेस पार्टी ने कई जगह पोस्टर लगाए। देखिए, कांग्रेस को पता ही नहीं है जहां किया वो बात कर रहे हैं, वहां पे विधायक कौन था उनसे पूछिए। पहले जो विधायक थे वो कांग्रेस के थे, वो इस्तीफा दिए थे इसलिए खाली हुई थी, वो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस में पिछली बार भी नहीं जीते थे, उससे पहले भी नहीं जीते थे, तो ये कांग्रेस की परंपरागत सीट थी जिसपे वो जीते हैं। हमीरपुर हम जीत कर आए हैं, वहां पर हिमाचल में, वहां तो उनकी सरकार है ना, मध्य प्रदेश हम जीत कर आए हैं। ये कांग्रेस केवल दुष्प्रचार के नाम पर झूठे
अब वो अड़ के तृणमूल की चारों सीटें तृणमूल ने जीती थी विधानसभा में, अगर वो जीत कर आए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। बीजेपी ने बहुत अच्छा संघर्ष किया है, वो उन्होंने वहां पर जो नंग नाच कर रखा है, जब तक वो नहीं बंद होगा तब तक चुनाव निष्पक्ष बंगाल में होना ये बड़ा असंभव सा लगता है। देखिए, मुझको लगता है कि महिला महिला होती है, वो ना हिंदू होती ना मुसलमान होती है, और महिला का संरक्षण से मैं समझता हूँ कि इस्लाम में भी महिला का बहुत सम्मान है, और इनको अगर जो है इस बात को बेहतर समझना चाहिए कि महिलाओं की रक्षा के लिए न्यायालय ने हिस्टोरिकल निर्णय दिया है, और अगर महिला का संरक्षण की बात है तो इस कुरीति से बचना चाहिए, और मुस्लिम महिला को भी अधिकार है अच्छा जीवन जीने का। मुस्लिम भारत शरीयत से नहीं चलने वाला है, अगर शरीयत को उनको है तो जाके वो सऊदी अरब में चला सकते हैं, पाकिस्तान में भी शरीयत नहीं है, अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहां जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। यहाँ पर शरीयत की बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये कोई इस्लामी या धार्मिक देश नहीं है भारतवर्ष, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर इस प्रकार की बातें करना ये एक तरीके से ये तथ्यविहीन ये उद्घोषणा है, और इससे मैं समझता हूँ कि धर्मगुरुओं को और इस प्रकार की संस्थाओं को बचना चाहिए, और उनको भारत की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को और जो भारत का बंटवारा हुआ था उस समय की नीति को पढ़ना चाहिए। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये 3000 के आसपास कार्य समिति के लोग थे, यहाँ पर बृहत कार्य समिति बैठक थी, लोगों में ऊर्जा का संचार राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन ने किया है, और निश्चित रूप में आज जो हुंकार भरी है योगी जी ने, वो अपनी पहचान जो उनकी जिस चीज की है वो आज कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग देकर गया है। और मैं मानता हूं कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, चुनाव के नतीजे अच्छे होते हैं तो भी, और जो कुछ कम अच्छे होते हैं तो भी वो अपनी समीक्षा भी करती है और सीखती भी है, और अब की सीखा ये है कि 2027 में कहीं कमी नहीं होगी और हम 2/3 से नहीं 3/4 से चुनाव जीतेंगे। 27 से पहले अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। आज तो योगी जी ने बता दिया, 10 का परिणाम उन्होंने बता दिया, होगा संग्राम, विजय होगी। लेकिन कल जो अभी उपचुनाव का परिणाम आया है उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कई जगह पोस्टर लगाए। देखिए, कांग्रेस को पता ही नहीं है, जहां किया वो बात कर रहे हैं वहां पे विधायक कौन था उनसे पूछिए। पहले जो विधायक थे वो कांग्रेस के थे, वो इस्तीफा दिए थे इसलिए खाली हुई थी, वो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस में पिछली बार भी नहीं जीते तो उससे पहले भी नहीं जीते थे, तो ये कांग्रेस की परंपरागत सीट थी जिसपे वो जीते हैं। हमीरपुर हम जीत कर आए हैं, वहां पर हिमाचल में वहां तो उनकी सरकार है ना, मध्य प्रदेश हम जीत कर आए हैं। ये कांग्रेस केवल दुष्प्रचार के नाम पर झूठे, अब वो अड़ के तृणमूल की चारों सीटें तृणमूल ने जीती थी विधानसभा में, अगर वो जीत कर आए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। बीजेपी ने बहुत अच्छा संघर्ष किया है, वो उन्होंने वहां पर जो नंग नाच कर रखा है, जब तक वो नहीं बंद होगा तब तक चुनाव निष्पक्ष बंगाल में होना ये बड़ा असंभव सा लगता है। देखिए, मुझको लगता है कि महिला महिला होती है, वो ना हिंदू होती ना मुसलमान होती है, और महिला का संरक्षण से मैं समझता हूँ कि इस्लाम में भी महिला का बहुत सम्मान है, और इनको अगर जो है इस बात को बेहतर समझना चाहिए कि महिलाओं की रक्षा के लिए न्यायालय ने हिस्टोरिकल निर्णय दिया है, और अगर महिला का संरक्षण की बात है तो इस कुरीति से बचना चाहिए, और मुस्लिम महिला को भी अधिकार है अच्छा जीवन जीने का। मुस्लिम भारत शरीयत से नहीं चलने वाला है, अगर शरीयत को उनको है तो जाके वो सऊदी अरब में चला सकते हैं, पाकिस्तान में भी शरीयत नहीं है, अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहां जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। यहाँ पर शरीयत की बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये कोई इस्लामी या धार्मिक देश नहीं है भारतवर्ष, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर इस प्रकार की बातें करना ये एक तरीके से
ये तथ्यविहीन ये उद्घोषणा है, और इससे मैं समझता हूँ कि धर्मगुरुओं को और इस प्रकार की संस्थाओं को बचना चाहिए, उनको भारत की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को और जो भारत का बंटवारा हुआ था उस समय की नीति को पढ़ना चाहिए।